दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई भीषण गर्मी है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं है? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी, पर इस बार क्यों नहीं? जहाँ जहाँ पर दिन में दो टाइम की पानी की सप्लाई आती है उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय काट दिया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने। और खास करके पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। वाटर टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है इसलिए आज से कुछ और भी कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ पर दिन में दो टाइम की पानी की सप्लाई आती है उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो सेकेंड टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं जहाँ पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, यहाँ या जहाँ पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, सेकेंड टाइम की कुछ एरियाज की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली और ये गर्मी लंबी चलने वाली, पर आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी, पर इस बार क्यों नहीं? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी, भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे लेकिन दिल्ली की चिंता किसने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हिमाचल, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहाँ से पानी ले सकते थे। हरियाणा में तो आप दोष डालते हो, हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते। दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकी जाए इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने का काम आपका था। जो टैंकर माफिया जिसको आप सर पे चढ़ा के नाच रहे हो उस पर कंट्रोल करने का काम आपका था। आज पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए अगर जिम्मेदार हैं तो कोई आप है। और मैं आज भी कहता हूँ, दिल्ली को पानी देना, दिल्ली को बिजली देना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए।